पेरेंटल डिवेल्पमेंट इंड ह्यूमेन द थर्ड ट्राइमेस्टर फर्स्ट था कॉन्टेंट्स द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड द डिपमेंटल चेंजेज टेकिंग प्लेस इन थर्ड ट्राइमेस्टर फर्स्ट था थर्ड ट्राईमेस्टर स्टूडेंट अगर हम ओवरऑल ह्यूमे डिवेल्पमेंट की बात करें तो लास्ट थ्री मंथ्स दे आर एक्चुअली द थर्ड ट्राइमेस्टर हैं मंथ नंबर सेवन एट एंड नाइन तो उसकी बाईड भी हम ये कहेंगे कि द डवेल्पमेंटल स्टेज फ्राम मंथ सेवन मंथ टू द बर्थ दैट इज एक्चुअली द थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर की खास बात यह है कि द फिटसमोस्ट कम्प्लीटेडमेंटल प्रोसेस जो इसके डिवेलमेंटल प्रोसेस हैं स्पेशली विजरल ऑर्गन है इंपॉर्टेंट विजरल ऑर्गन जो हैं दे आर फंक्शनल दे आर कंप्लीटली फॉर्म टिल दर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर तक वो है जो ऑर्गन्स हैं वो बन चुके होते हैं ब्रीदिंग का या बाकी सिस्टम जो है वो वर्क कर सकते हैं आप इसलिए अगर सेवन मंथ्स के ऊपर किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर फीटस की बर्थ हो जाती है दैट मीज कॉल द प्री मेच्योर बर्थ उसको हम प्री मैचोर बर्थ कहते हैं बट द फीटस हैव एबिलिटी टू सर्वाइव फीटस सर्वाइव कर सकता है तो इसका यानी कि इसका लास्ट ट्राइमेस्टर जो है इसका तल्लक ऑर्गनस की डेवलपमेंट से ज़्यादा ग्रोथ से होगा क्योंकि अगर ऑर्गन में डिवेल्प होना होता तो फिर तो सेवन मंथ के ऊपर होने वाली बर्थ में सर्वाइवल ही ना पॉसिबल होता तो जब सेवन मंथ्स के ऊपर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने के ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल है तो इसका मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो मेनली कुछ ऑर्गन डिवेलपमेंट भी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इंक्रीज इन साइज ऑफ फिटस लास्ट मंथ जो थ्री मंथ है इसमें इनॉर्मसली फिटस का साइज इंक्रीज करता ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है लास्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए टिपिकली हम कहते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर इज द फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो वेट गेन है इसमें करेगा तो व्हाट आर द इवेंट्स अगर हम इस इवेंट्स की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर इट स्टार्ट फ्राम द ट्वेंटी सेवन्थ वीक ट्वेंटी सिक्स वीक जहाँ एंड किए थे वहाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड हो गया था ट्वेंटी जो सेवन्थ वीक है इट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर तो इस ट्वेंटी सेवन वीक के अंदर सबसे पहले जो आइज हैं दे दे आर स्टार्ट ओपनिंग तो आइज़ आस्ते आस्ते जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे इससे थर्टियथ वीक के ऊपर जो बॉडी हेयर थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाते हैं दे ग्रो तो बॉडी हेयर स्टार्ट ग्रो इससे थर्टी फर्स्ट वीक के ऊपर आकर वेट गेन जो है वो रैपिड हो जाएगा यानी कि इनॉर्मस वेट गेन जैसे हमने कहा भी है कि थर्ड ट्राइमेस्टर की सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है इंक्रीज इन साइज़ वेट गेन करना साइज़ का जो है वो बड़ा होना ये सबसे प्रोमिनेंट इसका फीचर है इससे थर्टी टू वीक्स के ऊपर जाकर जो फिटनेस है वो सांस लेना शुरू कर देता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाती है सांस लेने का अमर शुरू हो जाता है देन थर्टी फोर्थ वीक के ऊपर जाकर जो फिंगर नेल्स हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर हैं फिंगर्स के जो नेल्स हैं वो आसास् ग्रो करना शुरू कर देंगे देन थर्टी फर्स्ट वीक थर्टी फिफ्थ वीक जो है इसके ऊपर आकर जो स्किन है इट्स अपीयर पिंक इन कलर और स्मूथ हो जाएगी तो स्किन पिंक कलर की हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी ट्वेंटी सेवन्थ वी थर्टी सेवन्थ वीक के ऊपर आकर जो हैड है वो आहिस्त आस्त डाउनवर्ड हो जाएगा यानी कि अगर यूं समझें कि इस पोजिशन में है तो यह आहिस्ता आस्ता डाउन करके हेड डाउनवर्ड चला जाएगा यानी कि ये बर्थ होती है जब तो सबसे पहले हेड बायर आता है तो हैड अपनी पोजिशन कब अटेन करेगा इट अटेन्ट्स पोजिशन आता थर्टी सेवन्थ वीक थर्टी सेवन वीक के ऊपर हैड डाउन हो जाता है इंटीरियर पोजिशन पर चला जाता है यानी आगे चला जाता है तो हेड डाउन होने के बाद जो है वो अब आगे इट मीन्स के द यंग वन इज़ रेडी टू कम आउट अब उसकी बर्थ होने के जो वो काबिल है थर्टी एट्थ वीक के ऊपर क्या होगा कि द टो नेल्स ग्रो जो टो है पाओं के जो अंगूठे हैं उनके ऊपर भी नेल ने सफा ग्रो करना शुरू कर देंगे एंड थर्टी नाइन्थ वीक जो वो सेकेंड लास्ट वीक जो है प्रेगनेंसी का जिसके अंदर जो चेस्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और उसके बाद फोर्टीथ वीक के ऊपर लेबर हो जाएगी यानी कि बर्थ हो जाएगी दिस इज ऑल अबाउट द Development of the human in its mother.